रुजकिया आलोक मौर्य केस वापस लेंगे? क्या ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य तलाक देते हुए नजर आएंगे? क्या अपने बच्चों की खातिर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के आगे सरेंडर कर देंगे? ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब आलोक मौर्य इस केस को लेकर एक तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। आलोक मौर्य की बात कही जाए तो अपनी पत्नी के खिलाफ यानी कि SDM ज्योति मौर्य के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और सीधे तौर पर जो अफेयर ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के साथ चल रहा था उसका खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि इन दोनों को साथ में आपत्तिजनक स्थिति में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर आलोक मौर्य योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले को कोर्ट में भी लड़ते हुए नजर आते हैं। बीते कुछ दिनों पहले इस मामले की सुनवाई को लेकर आलोक मौर्य ने ये कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए ताकि मैं इस केस को और पक्के तरीके से सबूत इकट्ठा कर सकूं और ज्योति मौर्य के खिलाफ यहाँ पर केस के दौरान यहाँ पर सबूत दिखा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर आलोक मौर्य इस पूरे मामले में ढील छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक मौर्य यहाँ सीधे तौर पर देखा जाए तो ना ही उनका कोई बयान सामने आ रहा है, ना ही कोर्ट में सुनवाई की बात कही जा रही है और ना ही आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के खिलाफ यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आलोक मौर्य अब यहाँ पर अपना केस वापस ले सकते हैं और ज्योति मौर्य को यहाँ पर तलाक दे सकते हैं। लेकिन क्या यहां पर ऐसे करने से उन्हें राहत मिल जाएगी, उन्हें इंसाफ मिल जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने कदम उठाते हुए मनीष दुबे को जिस तरीके से यहां पर सबूत मिले उसके बाद यहां पर सस्पेंड के ऑर्डर आ गए, अब यहां पर फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। लेकिन अभी ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं अपना गुनाह कबूल करते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन अब आलोक मौर्य जो अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें क्या उनका एक पारिवारिक मकसद भी माना जा सकता है, अपने बच्चों को लेकर भी ये कदम उठा सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।